हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस रीडिंग को। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर स्टार का कार्ड है और यहाँ पर है कार्ड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड एट ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो यार मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, आपके बगैर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन अब आपके पास सडनली कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन, आपके रिलेशनशिप में अब आप देखेंगे कि ये पर्सन आ रहे हैं वापस से, ग्रोथ आ रही है, प्रॉपर रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। सडनली वो प्यार जो बहुत समय से खो गया था वो प्यार आपकी तरफ वापस आते हुए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके में से बहुत सारे लोगों की पर्सन जो है ना वो उनके तबियत वगैरह खराब थी और उसकी वजह से भी ये रिलेशन में गड़बड़ चल रहा था। तो अभी ये वो गड़बड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके और अपने बीच में बैलेंस चाह रहे हैं और उस बैलेंस के साथ ही ये पर्सन आगे बढ़ेंगे ऐसा भी दिख रहा है। आपके साथ अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा मजबूत, मतलब अभी तक जो चल रहा था वो चल रहा था लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, अब आपके लिए पॉजिटिविटी, अब आपके लिए स्टेबिलिटी का यहाँ पर किस्सा चलेगा। अगर आप थर्ड पार्टी से परेशान थे, किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन के क्रिएट कर रही थी, तो अब आप शायद उसकी परवाह नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ मोड़ दिया है, अपना कैरियर, अपने लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है आपकी और वो पॉजिटिविटी ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है। वो पॉजिटिविटी ही आपके लिए इतनी अच्छी बन गई है कि आपको ज़रूरत ही नहीं रही है कि आप किसी तरीके से किसी पर डिपेंड हो। तो जो जो ये आपके अंदर जो बदलाव आए हैं वो उनके थर्ड पार्टी के मन में आपके विचार, आपके लिए जो उनके विचार हैं उसको बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है क्योंकि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा, या आपकी आपको जो है ना एक अच्छा इंसान नहीं मानते थे तो उसकी वजह से आप दोनों का जो कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि थर्ड पार्टी को ये फील होता है कि आप एक बेहतर इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, कैपेबल इंसान हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अलाउ करते हैं आपकी तरफ अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके लिए आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मन में जो एक विश है आपको पाने की वो इच्छा, वो अपनी इच्छा पर वर्क करेंगे, लॉयल ऑनेस्ट होके आपकी तरफ आएंगे ताकि स्टेबिलिटी दे सकें। ठीक है, जितने भी लड़ाइयाँ हुई थी, जितने भी भ्रम पैदा हुए थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स से दूर होकर के आपकी तरफ आके रिलेशन की मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक मजबूत रिलेशनशिप यहाँ पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप ये आपके साथ बनाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी दिख रहा है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।